ब्राह्मणों के लिए अपशब्द बोलने के मामले में भले ही पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने माफी मांग ली हो, लेकिन इसी मामले में बिहार बीजेपी के नेता ने विवादित बयान दिया है। गजेंद्र झा ने मांझी पर हमला करते हुए कह दिया कि जो भी ब्राह्मण का बेटा मांझी की जुबान काट लाएगा उसे वे 11 लाख रुपए देंगे। मैदानी इलाकों में शीतलहर का कहर जारी। मैदानी इलाकों में ठंड का मिजाज इतनी तेजी से बदला कि उत्तर भारत के राज्यों में तापमान में काफी गिरावट आई है और मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी इलाकों में बढ़ती ठंड पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी है। वहीं श्रीनगर में पारा 6 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे शोपियां जिले के कई इलाकों में पानी की पाइप जम जाने की खबर भी आई है। दिल्ली में मंगलवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि एक सोमवार को पारा 3.2 डिग्री तक जा पहुंचा था। सोमवार को पनामा पेपर्स मामले में ईडी ने ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ की। ऐश्वर्या पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन कर विदेशों में धन जमा करने का आरोप है। इसको लेकर ईडी ने 5.5 घंटे तक पूछताछ की। जर्मन न्यूज़पेपर ने पनामा पेपर्स नाम से 3 अप्रैल 2016 को एक डेटा रिलीज किया था, जिसमें 300 भारतीयों के नाम शामिल थे, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम भी शामिल है। भारत के विदेश मंत्रालय ने चीन में भारत के नए राजदूत के तौर पर सीनियर डिप्लोमेट प्रदीप कुमार रावत को नियुक्त किया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान देते हुए कहा कि वे जल्द ही अपनी जिम्मेदारी संभाल लेंगे। प्रदीप कुमार रावत चीन में मौजूद राजदूत विक्रम मिस्त्री की जगह लेंगे। जम्मू और कश्मीर के परिसीमन आयोग की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सोमवार को कहा है कि परिसीमन आयोग का मौजूदा स्वरूप स्वीकार नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि वो ड्राफ्ट रिपोर्ट पर दस्तखत नहीं करेंगे। परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर क्षेत्र में 7 विधानसभा सीट बढ़ाए जाने और 16 विधानसभा सीटों को अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित रखने का भी रखा है प्रस्ताव। बिहार में कोसी अंचल के डॉन कहे जाने वाले पप्पू देव की पुलिस हिरासत में मौत हो गई है, जिसको लेकर सहरसा पुलिस ने बताया कि देव की मौत छाती में दर्द की शिकायत के बाद इलाज के दौरान हुई है। वहीं पप्पू देव की पत्नी पूनम देव ने कहा है कि मैं पटना में रहती हूं और मुझे अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है। उनकी मौत की वजह पिटाई है या नहीं, ये मैं जाकर देखकर ही बता पाऊंगी। देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के मरीज सामने आ चुके हैं। अधिकारियों के अनुसार महाराष्ट्र, दिल्ली और तेलंगाना में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मरीज मिले हैं। अब तक देश में ओमिक्रॉन के कुल 145 केस सामने आ चुके हैं। वहीं गुजरात स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि 15 दिसंबर को ब्रिटेन से आए एक NRI ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया है। हालांकि उनके साथ सफर करने वाले यात्री और संपर्क में आए अन्य लोगों में ओमिक्रॉन पॉजिटिव नहीं पाया गया। मुनव्वर फारूकी ने शनिवार शाम को अपने ट्विटर हैंडल से शो के टिकट बुकिंग का लिंक शेयर किया। इसमें बताया गया है कि 16 जनवरी को कोलकाता में धंधो नाम का शो करने जा रहे हैं। ये शो 2 घंटे का होगा। इससे पहले नवंबर में बेंगलुरु में होने वाले उनके शो को रद्द कर दिया गया था, जिसका विरोध कुछ दक्षिणपंथी संगठनों के द्वारा किया गया था। इमरान खान ने अल जजीरा को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अगर भारत की फासीवादी बीजेपी सरकार ऐसा करती है तो मुझे डर है कि 2 परमाणु शक्तियां आमने सामने होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के लोग संवेदनशील हैं और समझदार हैं, लेकिन उन पर राज कट्टरपंथी लोग कर रहे हैं। राष्ट्रपति रिजेप तैयब अर्दोआन ने घोषणा की कि वो तेजी से बड़ी महंगाई पर लगाम लगाने के लिए ऋण दर को नहीं बढ़ाएंगे। उनका धर्म उन्हें ऋण का समर्थन करने से रोकता है। उनके मुकाबले ये महंगाई को थामने का दकियानूसी तरीका है। वहां तुर्की में महंगाई की दर 20% जा पहुंची है और सोमवार को हुई ट्रेडिंग में लीरा की कीमत में 5% की गिरावट आई है। टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क ने ट्विटर पर बताया कि वे इस साल टैक्स के रूप में 11 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम भरेंगे। अगर इसको भारतीय मुद्रा में आंका जाए तो ये रकम 83,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बनती है। वहीं इस हफ्ते की शुरुआत में डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने ट्विटर पर कहा कि एलन मस्क को टैक्स भरना चाहिए, जिसका जवाब एलन मस्क ने ट्वीट करके दिया कि इतिहास में वे किसी भी अमेरिकी की तुलना में सबसे ज्यादा टैक्स भरेंगे।
ग्रेवियल बोरिक चिली के राष्ट्रपति चुनावों में जीत कर देश के सबसे नौजवान नेता बन गए हैं। ग्रेवियल की जीत के बाद राजधानी सैंटियागो की सड़कों पर जश्न का माहौल दिखा, साथ ही उनके समर्थक अपनी गाड़ियों की हॉर्न बजाते और झंडे लहराते हुए भी दिखाई दिए। ग्रेवियल बोरिक ने अपने समर्थकों से लोकतंत्र की देखभाल करने का वादा किया और कहा कि वो चिली में नव उदारवादी आर्थिक मॉडल पर रोकथाम करेंगे। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।